उन्नाव में चौकीदार को बंधक बनाकर लुटेरे बुलडोजर को लूट ले गए थे, जिसका उन्नाव पुलिस ने 72 घंटे में लूट का खुलासा किया है। पुलिस टीम सर्विलांस की मदद से मास्टरमाइंड आरोपी चालक तक पहुंची। बुलडोजर चालक ने अपने चार दोस्तों के साथ हथियारों के दम पर एक चौकीदार को बंधक बनाकर बुलडोजर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जेसीबी चालक व उसके दोस्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बुलडोजर और तमंचा जब्त कर लिया है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र स्थित ट्रांस गंगा सिटी के एक यार्ड से मेरठ की एक कार्यदायी संस्था के बुलडोजर को 18 जनवरी की रात चौकीदार राम किशोर को बंधक बनाकर हथियारों के दम पर लूट ले गए थे। लूट की वारदात से गंगा घाट पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। घटना के बाद एसपी उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीना ने कोतवाली प्रभारी को फटकार भी लगाई थी। एसपी ने लूटकांड के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस टीम और गंगा घाट कोतवाली पुलिस शामिल की गई थी। एसपी ने जल्द से जल्द खुलासे का अल्टीमेटम दिया था। खुलासे में लगी टीमों ने 72 घंटों के अंतराल में सर्विलांस की मदद से खुलासा करते हुए लूटे गए बुलडोजर को आरोपियों के साथ बरामद कर लिया है। लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बुलडोजर चालक शिव मोहन राजपूत निकला। आरोपी माखी थाना क्षेत्र के उमेश खेड़ा गांव का रहने वाला है। घटना की रात आरोपी चालक के मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर कल देर रात पुलिस ने उठाया था। पुलिस पूछताछ में बुलडोजर चालक शिव मोहन राजपूत ने घटना स्वीकार करते हुए साथ में शामिल रहे चार साथी नीरज यादव, दुर्गेश सिंह, रोहित कश्यप और दुर्गेश कश्यप के नाम भी कबूल दिए। सीईओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि 18 जनवरी की रात एक फार्म से सुपरवाइजर अनुज ने थाना गंगा घाट पुलिस को सूचना दी कि उनके चौकीदार को बंधक बनाकर जेसीबी को लूट लिया गया है। उनके तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस सक्रिय हुई। अलग अलग टीमें बनाई गई, गहराई से इसकी जांच की गई तो इसमें प्रारंभिक जांच में ही ड्राइवर संदिग्ध पाया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाजीपुर के एक बाग में जेसीबी छिपा कर रखी थी, जिसको बेचने का वो प्लान कर रहे थे। एसओजी और गंगा घाट पुलिस के नेतृत्व में पूरी टीम ने मिलकर इन पांचों को गिरफ्तार कर लिया। जेसीबी के अलावा दो मोटरसाइकिल और चौकीदार का मोबाइल और दो तमंचे जो घटना में प्रयोग किए गए थे, सब बरामद किए गए हैं।